हेलो गाइस, वेलकम टू रेड डेविल्स एनसीआर। आज हम फिर से आपको लेके आ गए हैं एक और गर्मा गर्म एपिसोड। अभी हमने कुछ देर पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करी, तो हमने सोचा कि यार ये टॉपिक अगर हम मिडफील्ड का बना रहे हैं कि तो क्यों नहीं ये टॉपिक हम आगे का भी बनाए, फॉरवर्ड लाइन का भी बनाए। जो कि उस वीडियो में हम बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जूम का पैसा नहीं था, हमारा जूम का पैसा खत्म हो गया था और हमारा 40 मिनट हो गया था। तो हमने बोला कि हम नई वीडियो बनाएंगे, नया जूम मीटिंग बनाएंगे, लेकिन बात करके रहेंगे। बात करने हम आए थे, हम बात करके जाएंगे। तो बात का विषय ये है संयम जी, पर अभिजीत जी, आज बात का विषय ये है कि एंटनी आ गया है भाई, एंटनी आ गया है, एंटनी आ गया है, एंटनी आ गया है। टेबल पीटा जाए ऐसा नहीं कहने पे। तो एंटनी हमारे फॉरवर्ड लाइन में कैसे फिट होता है, कहाँ खेलेगा एंटनी? और भाई अपने पास तो फॉरवर्ड में सैंचो और राशफोर्ड ऑलरेडी हैं, तो भाई ये लोग का कैसा हेरा फेरी होगा और भैया किधर जाएंगे, इस विषय में बात करेंगे हम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अभिजीत भाई। अभिजीत भाई, एंटनी आ गया है, आर यू वेरी हैप्पी फ्रॉम इट और यू आर नॉट श्योर हाउ टू फील? क्योंकि भाई एंटनी 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 किधर फिट करेगा, कैसे खेलेगा और फ्रंट लाइन कैसा शेप लेगा एंटनी के आने के बाद, ये मुझे आप बताइए। एंटनी आ गए। इट्स अ वेरी बिग बिग साइनिंग फॉर यूनाइटेड। ईटीएच की साइनिंग है जो वो चाहता था। हाँ, थोड़ा प्राइस आउट ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जो हमें ईटीएच बोलता था कि हमें एक राइट प्लेयर चाहिए और राइट प्लेयर के लिए ही हम गए हैं, और वो भी हमको चाहता था कि हम ईटीएच के अंडर खेले, तो हमें हमने एक अच्छा साइनिंग किया है। रही बात तो उसके खेलने की, तो एंटनी एक आउट एंड आउट विंगर है जो राइट विंग में खेलता है। अब अगर आप लास्ट सीजन को देखें, जब ग्रीनवुड जब बाहर निकला तो हमारा गोल्स का जो टैली था वो कम हो गया था, क्योंकि हमारे पास वो एक राइट विंगर नहीं था। जो मेसन ग्रीनवुड जो हमको जो अटैक में जो मदद करता था वो मतलब ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि हमें हमारे पास एक लेफ्ट फुट विंगर नहीं था। तो उसकी कमी अब एंटनी ने पूरी ख़त्म कर दी है, और एंटनी जैसा एक अच्छा प्लेयर हमको मिला है। वो एक डायनामिज्म भी लाता है एक विंग पे। उसके उसके पास एक क्लोज बॉल कंट्रोल है, बॉल रिटेंशन है, और बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका बहुत अच्छा है। आपको एक कल आज शाम को ही मैं एक स्टैट्स पढ़ रहा था। ही वॉज इज़ अ सक्सेसफुल ड्रिबलर इन इन द टैली नेक्स्ट टू मोहम्मद सलाह। मतलब मोहम्मद सलाह फर्स्ट है, ये सेकेंड है। मतलब अराउंड 53% समथिंग सक्सेसफुल ड्रिबल्स किए उन्होंने अटैक में। वो दोनों ही विंग पे ऑपरेट कर सकते हैं, और लेकिन उनका एक थोड़ा सा एक ट्रेट है कि वो प्रिडिक्टेबल है। मतलब भाप लेते हैं, जो अपोनेंट है वो आपको भाप लेते हैं, लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि एक विंगर को जो हमारा एक उस एरिया में जो हमारा जो ड्रॉट चल रहा था या फिर एक डेड रहा था लेफ्ट राइट विंगर का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और एक एंटनी जैसा एक अच्छा प्लेयर जो यंग है, जो पैशनेट है खेलने के लिए यूनाइटेड के लिए, वो हमको आ रहा है। नो डाउट ही इज उसके पास एक ब्राजीलियन टच है, फ्लेयर है, और वो किसी भी पोजीशन में खेल सकता है, लेफ्ट विंग भी और राइट विंग भी। तो इसलिए वो और एक बात जो बताना चाहूँगा कि वो फ्री रोम करता है। मतलब जैसे ब्रूनो करता है फ्री रोम, वैसे ही एक मतलब एंटनी आपको एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन लेके आते। ओके, तो अभिजीत भाई ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं हमको। तो अभिजीत भाई, इससे मेरा एक सवाल है कि एंटनी अगर प्रिडिक्टेबल है तो प्रिडिक्टेबल कैसे हो? मतलब उसमें क्या ऐसा एट्रीब्यूट है कि वो जो करता है, जो कि हर बार करेगा और डिफेंडर उसको भाप सकता है कि भाई ये तो यही करने वाला है? अब जब भी आप देखो, अब राइट विंगर मतलब अपना विंगर रहता है, उस डिफेंस को पता है कि ये डेफिनेटली इसको कट इन करेगा और अंदर गोल मारने के लिए आएगा, बॉक्स इन द बॉक्स से आएगा या फिर आउट ऑफ द बॉक्स किधर भी फ्रंट। तो वहां पर उसको एक मतलब वहां पे उनको एक टैक्टिक्स रहेगा कि हाँ, इसको यहाँ से उसको आगे ढकेलना नहीं है, तो यहीं पर करना है। अगर पिछली बार अगर आप चैंपियंस लीग या फिर कुछ ऐसे मैचेस देखे होंगे आप रेडियो वाइज का, तो मतलब उन्होंने चेकआउट कर दिया था कि एंटनी को आगे बढ़ना ही नहीं रहना। तो इससे क्या होता है कि उसका पूरा वो राइट फ्लैंक पूरी तरह से मतलब डेड हो जाएगा और खेलने नहीं देंगे। उससे बचना है हमें, और देख डायनामिज्म इसी में लाना है कि किधर उसको कहाँ खेलना है। ईटीएच को पता है कि वो कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, लेकिन जो हमारा टैक्टिक्स है मतलब क्या है कि मतलब अगर वो ज़्यादा हम
अगर सैंचो सैंचो अब सैंचो का भी एक एग्जांपल ले लो, सैंचो काफी अंदर आ जाता है, वाइड नहीं खेलता कभी भी विंग पे, तो वहां पर मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि वो किधर खेलना है। लेकिन एंटनी ऐसा नहीं है, एंटनी को आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, मतलब जैसे इन्वर्टेड विंग बैक्स जब आएंगे डायलॉट आएगा तब उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, वो लिंकअप नहीं रह रहा है उसमें, इसीलिए वो ठीक प्रेडिक्टेबल का जो है, मैं आपने समझ बोला गया, है। ये इस पे सही है भाई कुछ बोलना चाहेंगे। सही भाई अभी मैं आपको आऊंगा 2 मिनट में। तो आपने हमें ये मालूम चला है एंथनी के बारे में कि बढ़िया ड्रिब्लर है, बॉल में बढ़िया है, 1-on-1 काफी बढ़िया करता है, और कटिंग करने वाला, हाँ इसका टेंडेंसी रहेगा कटिंग करने का बिकॉज वो लेफ्ट फुटर है। तो इसमें अच्छा सही है भाई, पहले तो आप मुझे ये बताइए जो आपका जो इस पे पॉइंट था वो आप लिखिए, उसके बाद फिर मैं सवाल पूछूंगा। एक एग्जाम्पल इसका हाईली रेटेड एग्जाम्पल रोबेन, सारे इन द वर्ल्ड डिफेंडर्स जानते हैं कि वो कट इन करेगा, पर वो करता था, गोल भी मारता था, असिस्ट भी देता था। सो कटिंग इन फॉर मी इज नॉट द प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम इज कि अगर डबल डिफेंस उस पे हुआ तो वहां पे हमारा राइट बैक जो होगा उसे सपोर्ट देना पड़ेगा एंटनी को, विच आई हैव नॉट सीन डालो डूइंग इट, और स्पेशली अभी 3 4 गेम जो भी हुए हैं। सो ETS विल वर्क इट आउट, आई डेफिनेटली नो ETS विल वर्क इट आउट, सो कटिंग इन इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर मी नाउ, बट यंग है एंड ब्राजीलियन के साथ हमारी स्पेशली यूनाइटेड की तालमेल आज तक उतनी अच्छी रही नहीं है, सो दैट इज वन ऑफ द इशू। बाकी ओवर टू यू हार्दिक। हाँ ठीक है, तो हाँ कटने वाला पॉइंट काफी अच्छा बोला आपने कि अभी वी ऑल नो रॉबिन, बट अभी एंटनी का रॉबिन बन पाएगा क्या, एंटनी अच्छा करेगा क्या, पूरा करेगा, मजा आएगा देखने में, सबको बहुत मजा आएगा। तो बट भाई बात तो ये है कि जो राइट विंग का ड्राउट हम बोल रहे थे इतने सीजन से, भाई राइट विंग ये नहीं है भाई, तुम्हारे भाई ने 2 सीजन में 2 राइट विंग लाया है, सैंचो और एंटनी। राइट विंग पहले आपके पास CDM नहीं था, आपके पास DMF नहीं था, आपके पास DMF भर दिया गया है, आपके पास राइट विंग नहीं था, आपके पास राइट विंग भर दिया, आपके पास सेंटर बैक नहीं था, आपके पास सेंटर बैक भी भर दिया। तो ये ट्रांसफर विंडो में भाई बंदे तो आए हैं बट बिलीव से थोड़ा सा बाहर हो रहा है यार, कैसे कैसे आ रहे हैं बंदे, मतलब एंथनी भी 100 मिलियन का, पहले होता था कि एक विंडो में 100 मिलियन का बंदा आता था, विंडो खत्म क्लोज, बट यहाँ पे एंटनी के साथ कैसेमिरो भी आ गया, मलाशिया भी आ गया, मार्टिनेज भी आ गया, तो अच्छा है भाई कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। बट ये 2 सीजन पहले 3 सीजन पहले किसी बंदे को अगर यूनाइटेड का लाइनअप दिखाओगे तो मानेगा नहीं, बोलेगा भाई ये क्या दिखा रहा है तू, पागल हो गया क्या, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। सही में मैं तो नहीं मानता। एनीवेज तो मजाक की बात छोड़ते हैं, मुद्दे की बात आते हैं। सही है भाई, अब एंटनी आ गया है, आपको बताया एंटनी का एट्रीब्यूट क्या है, आपको भी पता है कि आपके पास रैशफोर्ड, सैंसफोर्ड दो ऑलरेडी फर्स्ट टीम का विंगर आपके पास खेल रहे हैं, आपके पास यंग लोग भी हैं लाइक पेरेत्री, नमाद, उनको आप डेवलप करना चाहोगे, आपके पास गर्नाचो भी है, तो उस लाइनअप में आप एक एंटनी को भी ले आए, और आपके पास मार्शियल रोनाल्डो तो है ही है, तो अभी आप अपना फ्रंट लाइन को कैसा देखेंगे, क्या प्रेफर करेंगे आप फॉरवर्ड लाइन को, और आपको क्या लगता है कि एंटनी राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, या राइट लेफ्ट का बैलेंस कैसा रहेगा, स्पेशली जो आपने बताया वो फुल बैक के साथ का कनेक्शन जो है कि राइट में का फुल बैक का बॉन्डिंग और लेफ्ट का फुल बैक का बॉन्डिंग वो कैसे रहने वाला है एंटनी के आने के बाद। सी आप बॉन्डिंग की बात करें तो मलाशिया से मुझे कोई ट्रबल नहीं है, मलाशिया इज वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड विद दी लेफ्ट विंग। तो आप अगर फ्रंट थ्री की हमारी बात करोगे, व्हाट आई विल प्रेफर अगेंस्ट द टॉप सिक्स इज अ प्रेसिंग फ्रंट थ्री। इट कैन बी एंथनी तो रहेगा मेरे लिए, एंथनी एंड सैंचो विल बी देयर फ्रंट में। इफ यू हैव मार्टियल आई विल गो विद हिम, इफ यू डोंट हैव मार्टियल आई विल गो विद रैशफोर्ड, बिकॉज वी नीड पेस एंड वी नीड पीपल हु कैन प्रेस। सो मार्टियाल अगर प्रेस ऑफर नहीं करता है तो मार्टियाल होल्ड अप ऑफर करता है, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल वेन वी प्ले अगेंस्ट टॉप टीम्स हु लाइक टू प्रेस, क्योंकि उसमें कम स्पेस में बॉल होल्ड करके उस पॉकेट ऑफ स्पेस से निकल के किसी और को फाइंड करना इज अ वेरी यू नो अ वेरी यूनिक टैलेंट कह लो, या वेरी अ टैलेंट विच इज फाइंड इन वेरी लेस पीपल। आई हैव सीन मार्टियल डूइंग इट, लाइक द गोल अगेंस्ट लिवरपूल ऑफ रैशफोर्ड, वो 3 प्लेयर के 2 प्लेयर के प्रेस को के पॉकेट से निकल के रैशफोर्ड को फाइंड करना विद अ पास इज समथिंग आई हैव सीन मार्टियल डू टाइम एंड अगेन। बी इट आपको याद होगा सिटी वाला गेम वेयर वी जस्ट डिसमेंटल सिटी, ओले था उस वक्त, लेट अलोन ओले की बात छोड़ो, तो
दीज आर सम काइंड ऑफ गेम्स विच यू कैन पिक अप कि मार्टियल व्हेन इन हिज गेम व्हेन इन हिज मूड इज अ वेरी गुड प्लेयर. वो प्रेस भी करने आता है, उसको होल्ड अप भी करने आता है, पासेस भी फाइंड करने आता है. सो अगेंस्ट टॉप सिक्स रैशफोर्ड और मार्टियल अप फ्रंट एंड सैंचो एंड एंथनी आई विल गो विद इट. और अगर ऐसी टीम जिनके पास लो ब्लॉक है तो आई विल गो विथ रैशफोर्ड. रैशफोर्ड कंफर्म है लेफ्ट विंग पे, सैंचो और एंथनी ऑन द राइट एंड अप फ्रंट आई विल गो विथ रोनाल्डो एज अगर वो स्टे करता है तो, एल्स आई विल गो विथ मार्टियल. ओके सो रोनाल्डो पे भी आएंगे। रोनाल्डो भी बहुत, भाई रोनाल्डो ऐसा बंदा है कि उस पर आप बात करना बंद कर ही नहीं सकते। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो वो कांड कर देता है वो, और उस पर हमेशा कोई ना कोई बात हो जाती है। कभी कुछ कांड कर देगा, कभी कुछ कर देगा। एनीवेज, तो आपने बोला कि एंटनी और सैंचो एक साथ आप स्टार्ट कराओगे, तो इसमें आप किसको राइट खिलाओगे, किसको लेफ्ट खिलाओगे, और उसमें एंथनी टीम ऑन से द क्या राइट. मतलब? एंटनी राइट, सैंचो लेफ्ट। अच्छा, और इसमें आपका फुलबैक के साथ कैसा रिलेशन आएगा, कौन सा फुलबैक ओवरलैप करेगा, कौन सा फुलबैक ओवरलैप नहीं करेगा? मलाशिया वी हैव सीन लाइक्स टू ओवरलैप एंड सैंचो के साथ उसका हमने देखा कि सैंचो स्विच करता है विंग्स विद रैशफोर्ड इफ यू सॉ लास्ट टू गेम्स. तो मलाशिया इज गुड मलाशिया के साथ उसका. एंड इफ यू सॉ दी डालो असिस्ट अगर आपने देखा होगा ब्रूनो वॉली पे, तो डालो वॉज ट्राइंग टू ओवरलैप एंड उस टाइम लकीली वी हैड सैंचो ऑन द राइट. ये भी आपने अगर देखा होगा, वी टू वर टुगेदर वाचिंग. तो सैंचो एट इज माय वर ट्राइंग टू हेडक्वार्टर्स एट आ स्क्रीनिंग। या यस सो डालो इज ट्राइंग टू अप हिज गेम इन दैट रिगार्ड्स. ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट हिज विंगर्स व्हिच वर मिसिंग इन द फर्स्ट टू गेम. जो फर्स्ट टू गेम हम हारे अगर आप उसको बैक टू बैक भी देखोगे तो डायलो वॉज हेजिटेटिंग इन मूविंग फॉरवर्ड विद दी विंगर. वो स्पेस नहीं, अगर आपका राइट बैक जाएगा आगे तो एक डिफेंडर को लेके जाएगा तो यू विल क्रिएट स्पेस फॉर अदर प्लेयर्स. तो वो चीज हो नहीं पा रही थी फर्स्ट टू गेम. लिवरपूल गेम से ये हो रहा है. सो व्हाट आई बिलीव अगर एंटनी कट इन कर रहा है उसके साथ दो डिफेंडर जा रहे हैं तो डायलो की ओवरलैपिंग बहुत यूजफुल होगी वहां पे. डायलो की ओवरलैपिंग या तो उसको पूरा फ्री स्पेस देगी या तो एंटनी के लिए एक फ्री स्पेस क्रिएट करेगी क्योंकि दूसरा डिफेंडर वो डेलो को कवर करेगा. दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग विल हैपन बट एटीएच नोज बेटर देन मी एंड आई थिंक ही विल वर्क इट आउट. तो काफी अच्छा ओपिनियन, काफी अच्छा इंसाइट दिया इसमें। इसमें मैं वांट टू ऐड सम पॉइंट, टीफो आईआरएल का अभी रीसेंट वीडियो आया है कि व्हाई एंटनी इज कमिंग टू एंटनी, एंड व्हाई यूनाइटेड फैंस बी एक्साइटेड फॉर एंटनी। उन्होंने बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है उसमें फुल बैक और फॉरवर्ड विंगर का रिलेशनशिप पे कवर किया है। तो एज पर दैट वीडियो, एंथनी प्लेइंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड सैंचो प्लेइंग एंथनी प्लेइंग फ्रॉम द राइट एंड सैंचो प्लेइंग फ्रॉम द लेफ्ट। सैंचो का एट्रीब्यूट ये कह रहा है कि सैंचो इज मोर ऑफ अ क्रिएटिव विंगर। तो उसके बाद अगर बॉल आती है तो वन ऑन वन सिचुएशन में वो ड्रिबल करके कटा के आगे लेके नहीं जाएगा, वो अंदर पास ब्रूनो को कर देगा, वरना फिर वो और पासिंग ऑप्शन ढूंढेगा, या तो जालो करेगा ब्रूनो को करेगा, वरना फिर अगर कोई फॉरवर्ड नीचे पीछे आता है पास करना तो उसको पास करेगा। तो सैंचो गोइंग ऑन द लेफ्ट, उसका लुक शो या मलाशी से बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि दीज आर द पीपल जिनको ओवरलैप करना बहुत पसंद है, वो ये ओवरलैप पे ओवरलैप निकालेंगे। बोल के लुक शो ऐसा बंदा ओवरलैप भी निकालेगा, कंसिस्टेंटली अंडरलैप भी निकालेगा। तो ये तो एक बहुत ही प्रॉपर अच्छी पार्टनरशिप बन गई हमारे पास लेफ्ट में सैंचो की। तो सैंचो आइडियली फॉर अस शुड प्ले ऑन द लेफ्ट एट ऑल टाइम्स, ऐसा यू कैन से, अगर एंथनी स्क्वाड में है। अगर एंथनी स्क्वाड में नहीं है तो राइट में खिला दो। एंथनी स्क्वाड में अगर आ गया तो अब एंटनी और डेलो का रिलेशनशिप क्या रहेगा? अब एंटनी काउंटररी टू सैंचो, ही कैन टेक वन ऑन वन्स। वो उसका खासियत यही है कि राइट बैक को चैलेंज करना, वन ऑन वन लाना और उसको फिर ड्रिबल पास करना। अब चाहे वो उसका नेटमैन निकाले, वो ड्रिबल करके आगे निकाल ले, वो उस पर डिपेंड करता है। कटिन तो करता ही करता है, बट कटिन के साथ वो आगे लेके भी जाता है गोल लाइन तक ड्रिबल करके। तो और यहाँ पे डायलो का क्या रोल लगेगा? डायलो मोस्टली सिट बैक करता है। तो टी4 आईआरएल की वीडियो में भी डायलो को सिट बैक करते हुए दिखाया था कि डायलो सिट बैक करेगा और जो पूरा विड वाला और जो आगे वाला जो स्पेस है वो एंथनी ही कवर करेगा। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी यस कि डायलो अगर ओवरलैप लेता है कि नहीं लेता है, क्योंकि वो ही इज केपेबल ऑफ ओवरलैप्स और यानी ही इज केपेबल ऑफ गिविंग दोस डेड बॉल्स। क्योंकि हमने देखा है जब रैल्फ लैंडिंग भी नया नया आया था और उसने डायलो को स्टार्ट किया था ओवर एरन वैन-बिसाका, तो डायलो जो बॉल डाल रहा था और जो मेहनत कर रहा था अपना पोजिशन पक्का करने के लिए, वो बहुत कमेंडेबल था और सबको देख के उसको मजा आता कि भाई यार ये डायलो बंदा जो है ये कुछ करेगा। हाँ बोलिए सही भाई इवन इसमें। आप देखोगे साउथहैम्पटन की असिस्ट पे तो ही डेलिबरेटली फाउंड ब्रूनो विद दैट क्रॉस.
ये नहीं था कि इंटेंडेंट पास कहीं और चला गया. ही सॉ ब्रूनो स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द एरिया एंड ही डेलिबरेटली पुट दैट क्रॉस देयर फॉर द वॉली. तो ही हैज दैट यू नो क्रॉसिंग एबिलिटी. ठीक है, सेट बैक करता है, बट इन माय ओपिनियन ही शुड मूव फॉरवर्ड मोर, ही शुड ओवरलैप मोर. तो इस पे अभिजीत भाई कमिंग टू यू, आपको याद हो पिछली वीडियो में आपने 5 रुपए में रोनाल्डो को बेच दिया था लेकिन अभी तक ईटीएच ने मैन यूनाइटेड ने 5 रुपए में रोनाल्डो को बेचा नहीं है और लग रहा है कि रोनाल्डो रहेगा क्योंकि भाई कोई और उसका पैसा दे नहीं पा रहा है उसके वेज का. तो अभिजीत भाई ये बताइए कि अगर रोनाल्डो रह जाता है तो उसको आप स्टार्ट कराओगे कैसे कराओगे, मतलब वो सिस्टम में कैसे फिट होगा? ना तो बंदा प्रेस कर पाएगा ना बंदा, मतलब वो तो फिर टारगेट मैन बन जाएगा आपका. तो कैसे फिर आप फ्रंट को अपना देखोगे और फिर कैसे आप अपना टैक्टिक्स रखोगे रोनाल्डो के साथ? आप इसको बैठा भी नहीं सकते भाई, रोनाल्डो रोनाल्डो को खिलाना ही खिलाना है. तो क्या क्या करोगे आप, क्या कीजिएगा? मुझे लगता है कि रोनाल्डो को हम स्ट्रैटेजिकली यूज करना चाहिए. पिछली बार मेरा ओपिनियन थोड़ा गलत रहा था, मतलब हड़बड़ी में रहा था, तो उसके लिए सॉरी. लेकिन नहीं, बहुत अच्छा ओपिनियन है यार, हम मेरा उसमें आप नहीं बोल रहे, आप हम तो चाहते हैं कि आप और ऐसा ओपिनियन नहीं दो ताकि हमको मसाला नहीं मिले, नहीं हम बेचें उसको हाँ मार्केट नहीं, में. हमने नहीं नहीं जो आपने सईम भाई ने भी बोला, आपने भी बोला, वो सही है कि मतलब रैशफोर्ड को मतलब जब आप सेट लो ब्लॉक को खेल रहे तो उसको नंबर 9 पोजीशन में नहीं खिला सकते, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कब उसको मतलब रन करना है. एक स्ट्राइकर को पता होता है कि ऑफसाइड बहुत कब लेता रन है वो. करना है. हाँ, वो ये इसीलिए उसका मतलब वो आपको वहाँ पे एक्टिव नहीं दिख रहा था या फिर वो इनविजिबल लग रहा था. लेकिन जब आप रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, लेकिन रोनाल्डो एक ज्यादा से ज्यादा आपको टारगेट में ही रखेगा. एक मतलब मेंटल प्रेशर रहेगा ऑपोजिशन पे कि हाँ भाई रोनाल्डो बॉक्स में है, कुछ ना कुछ तो करेगा. बैठेगा तो नहीं कि पापा ऐसे मतलब स्टबन रह के या फिर डम रह के नहीं रहे. वो एक थोड़ा एक मेंटल प्रेशर रहेगा. आप जितने भी पुराने गेम्स देखोगे तो एक थोड़ा सा एक मतलब वो उसमें प्रेशर रहता है कि अपन की बाबा रोनाल्डो है, कोई ऐसा वैसा प्लेयर नहीं है कि बाबा इसको हम थोड़ा ये करें. कितना आप जब भी आप सेट अपने सेट पीसीस पे हो या फिर कितना मतलब प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि रोनाल्डो अंदर बॉक्स में कुछ ना कुछ करेंगे ही. एक और मतलब रोनाल्डो का मतलब अच्छा पॉइंट ये है कि वो मतलब एरियल्स जीत जाते हैं. जब भी अब आप हमारे पास अब एक कीपर का मतलब वो प्रॉब्लम है, लेकिन जब भी कोई एरियल्स रहता है कोई भी तो मतलब सक्सेसफुली कर लेते हैं. कभी कभी वो मिडफील्ड में भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं करते. वो इतना ज्यादा देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते, क्योंकि वो एज फैक्टर भी उनका एक एक फैक्टर है. हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो अलग बात है, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है. लेकिन मेरा जो फ्रंट लाइन जो आप बोल रहे हैं, मैं सेम भाई से मतलब एग्री करता हूँ कि सैंचो लेफ्ट पे और मतलब एंटनी राइट पे, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेटेजिकली जो हाँ जैसा अपोनेंट रहेगा उस तरह मतलब उस प्रकार से हम उसको यूज करना चाहिए कि अब अगर प्रेस करना है तो मतलब मार्शल को ले ले. कभी कभी आप लो ब्लॉक खेल रहे तो रैशफोर्ड को भी ले सकते हो या फिर रोनाल्डो को भी यूज कर सकते हो. थोड़ी देर मतलब 60 मिनट्स के लिए यूज करो, बाद में अपना अपना सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोनाल्डो को ही स्टार्ट करना चाहिए एक स्पेसिफिक गेम के लिए. ऐसे एक रोटेशन लाओगे तो टैक्टिक्स में अगला टीम मतलब हमारा जो सामने टीम है वो हमको भाप नहीं सकते. तो रोनाल्डो रहे या ना रहे उसको स्ट्रैटेजिकली यूज करना चाहिए. अगर आपने रोनाल्डो इतना फेल मतलब फेल नहीं हुआ है लेकिन उसको स्ट्रैटेजिकली यूज नहीं किया है हमने यूनाइटेड ने. माइकल कैरिक ने जब वो हमारा एक 2-3 मैच रहा था वहां पर उसने ठीक ठाक से उसको यूज किया, इसीलिए वहां पर हमारे मतलब वो टैक्टिक्स हमको क्रिएट हुआ और वो सक्सेसफुल उस 3-4 मैच में रहा. ओले को यही बैकफायर किया कि रोनाल्डो को यूज नहीं किया उसने. टैक्टिकल यूज कैसे यूज करना, रागनिक तो गेगन प्रेसिंग तो उसका सिस्टम ही यूज करना था, तो इसके लिए रोनाल्डो उसका फिट ही नहीं होगा क्योंकि वो प्रेस नहीं करेगा उतना, क्योंकि वो एज ठीक फैक्टर है, है और वो ये सब इन्होंने कुछ है. बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि रोनाल्डो अगर बॉक्स में रहेगा तो अपोनेंट्स के डिफेंडर हड़बड़ा जाएंगे, कपकपा जाएंगे, भाई रोनाल्डो बॉक्स में है क्या करें भाई क्या करें, कुछ तो करेगा रोनाल्डो, ये बात तो फैक्ट है. तो इसी बात पे सही है भाई, आप मुझे बताइए कि रोनाल्डो का यूनाइटेड में आना
ये थोड़ा खट्टा मीठा सा बात है, मतलब आप क्या उससे बोलोगे इस बात पे कि लोग तो बोलते हैं रोनाल्डो ने यूनाइटेड को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी वजह से हमारी बनी बनाई टीम बिखर गई, उसको इनकॉर्पोरेट करने की वजह से, उसकी वजह से ब्रूनो का भी गोल से सफर किया, उसकी वजह से हर एक बंदा यूनाइटेड का सफर कर गया, इंक्लूडिंग मार्शल जो कि पहले सीजन में बढ़िया खेल रहे थे, बढ़िया टीम बनी हुई थी जो कि सेकंड फिनिश करी थी पॉइंट टेबल में, वो बिखर गए। तो इसमें आप क्या ओपिनियन दोगे कि क्या असल में ऐसा हुआ है, क्या रोनाल्डो इज टू बी ब्लेम्ड, और अभी क्या रोनाल्डो रहा? तो वही बात हम आपस बोल रहे हैं कि प्री सीजन में जो हमारे पास टीम थी, जो फ्लूइड फ्रंट थ्री था, जो हाई पेसिंग और हाई प्रेसिंग वाला फ्रंट थ्री था, रोनाल्डो भी वो आगे कहीं ना कहीं बिगाड़ देगा। भाई रोनाल्डो क्या मतलब, इसलिए रोनाल्डो द विन, ओके, पहले बात थी कि जोसे मोरिनो एंड पॉगबा इज द वायरस, इज रोनाल्डो इज द वायरस। नाउ आई वोंट कॉल हिम अ वायरस, मैं उसे वायरस बिल्कुल नहीं बोलूंगा। See, when he came back to us, it definitely was the wrong time. मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमने लेकर उसे सही किया या उसने आकर गलत किया, ये दोनों मैं नहीं कहूंगा, आई एम न्यूट्रल ऑन दिस। आया, गोल स्कोर किया लास्ट सीजन, ठीक है, बट हमारे डायनामिक्स तो अफेक्ट हुए उससे। इफ यू सी, वी वर अ काउंटर अटैकिंग टीम अंडर ओले, प्योरली काउंटर अटैकिंग। रोनाल्डो के आने से काउंटर अटैकिंग खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि आप चाहते हो क्रॉसेस करना, क्रॉसेस एंड इंशाल्लाह जो हम बोलते हैं, क्रॉस डालो रोनाल्डो विल स्कोर, एंड विच वाज हैपनिंग। टेलेस के क्रॉसेस, टेलेस के कॉर्नर्स स्पेशली आप हमने देखा। तो बेसिकली इट वाज नॉट द राइट टाइम टू ब्रिंग इन रोनाल्डो, बट नेवरदलेस आया। अब जो हम देख रहे हैं रोनाल्डो के साथ, तो वी कैन यूज हिम, वी कैन डेफिनेटली यूज हिम अगेंस्ट लो ब्लॉक्स, क्योंकि वो एरियल थर्ड बॉक्स में रोनाल्डो के अलावा हमारे पास कोई नहीं है अभी की टीम में। एंड आर्ग्यूएबली मलाशिया वो एरियल थ्रेट वन ऑफ द वर्स्ट एरियल थ्रेट ऑफ द वर्ल्ड है, यस वन ऑफ द बेस्ट भाई, वन ऑफ द, मैंने ऑफ द वर्स्ट बोला क्या, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, सॉरी, वन ऑफ द वो बेस्ट, आप वन ऑफ द बैठ गए, बेस्ट आप बैठ है, गए। हाँ, सो वन ऑफ द बेस्ट एरियल या थ्रेट्स है। एंड सो लो ब्लॉक्स, सी फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल ऑफ ब्राइटन। ब्राइटन इज प्लेइंग वेरी कॉम्पैक्ट डिफेंस दिस सीजन, सो ब्राइटन के अगेंस्ट रोनाल्डो बीइंग इन द बॉक्स विल गिव यू एन अपर हैंड, क्योंकि ही नॉट ओनली विंस द हेडर्स, ही ऑल्सो टेंड्स टू फाइंड स्पेसेस इन फ्रंट ऑफ द डिफेंडर्स। वो एक मार्कर को छोड़ के दूसरे मार्कर के आगे जाके स्पेसेस फाइंड करके गोल स्कोर कर सकता है विद हेडर्स, वी हैव सीन दैट। सो डेफिनेटली आई विल वांट हिम टू स्टे, इफ ही विशेस टू गो दैट इज अनदर थिंग, ही कैन गो, देन वी विल हैव टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट, एंड फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ एन एरियल थ्रेट लाइक रोनाल्डो राइट नाउ आई डोंट थिंक एनीवन इज अवेलेबल। ओके, या वेरी वेल हाँ सेड अबाउट द एरियल थ्रेट, टोटली अग्री ऑन दैट पार्ट। आप मुझसे कुछ बोल रहे थे पिछली वीडियो के एंड में यूरोपा लीग के बारे में, तो अगर रोनाल्डो रहता है तो क्या रोनाल्डो यूरोपा लीग खेलेगा? क्या उसको खिलाओगे या उसको लाइनअप में इंक्लूड नहीं करोगे, कैसे करोगे उसके? यार देखो, अगर इफ ही क्रिएट्स द न्यूसेंस, तो मैं जहां तक ईटीएच का सवाल है, अगर मैं रहूंगा तो मैं उस न्यूसेंस का रिवेंज लूंगा ब्रिंगिंग हिम इन द लास्ट 2 मिनट्स एवरी गेम फ्रॉम द बेंच। यूरोपा अगर में होगी। न्यूसेंस क्रिएट करेगा तो यूरोपा में भी, कि भाई तू न्यूसेंस क्रिएट करो और मैं तुम्हारे साथ न्यूसेंस क्रिएट करूंगा, दिस इज द वे आई वर्क। बट इफ ही स्टेज विथ नो फर्दर न्यूसेंस, देन आई विल टेंड टू स्टार्ट हिम इन अ मिक्स ऑफ ऑल द कप गेम्स एंड द प्रीमियर लीग, लेकिन ही विल यूरोपा गेट में डिसेंट रोनाल्डो अमाउंट ऑफ को गेम्स। स्टार्ट नहीं करना, यूरोपा के लाइनअप में रोनाल्डो को इंक्लूड ना करना, ये दोनों पार्टीज के लिए फायदे का सौदा नहीं है भाई। रोनाल्डो बोलेगा कि भाई मैं अगर यूरोपा में खेल लिया तो रोनाल्डो इज अ ब्रांड, रोनाल्डो इज नॉट एज अ फुटबॉलर एनीमोर। वो बोलेगा भाई मेरा ब्रांड डैमेज हो जाएगा अगर मैं यूरोपा में खेल लिया तो, और हम बोलेंगे भाई तो ठीक है तू मत खेल, अब हमारे पास बच्चे हैं, हम अपने बच्चे को खिला देंगे। यूरोपा वैसे भी छोटा कॉम्पिटिशन है, उसमें छोटी टीम आ रही है, कोई ऐसे बड़े बड़े टीम तो आ नहीं रही है यूसल जैसी। भाई देखो, व्हाट आई फील इज ट्रांजिशन फेज है हमारा, सो यूरोपा लीग इज द बेस्ट चांस फॉर अस टू गेट बैक इनटू द चैंपियंस लीग। आई एम नॉट आईंग टॉप फोर, माइंड यू, मेरा टॉप फोर फिनिश इज नॉट व्हाट आई एम आईंग, आई एम आईंग एनी कप विन, एंड थ्रू यूरोपा वी कैन गेट इनटू चैंपियंस लीग। ओके, सो वी विल नीड रोनाल्डो, अगर ग्रुप स्टेज में नहीं तो क्वार्टर्स
यू नो नॉकआउट राउंड्स में तो चाहिए ही चाहिए. एंड फ्रंट थ्री में लाइक आई सेड आई विल विश टू रोटेट ऑल द प्लेयर्स एंड मार्शियल विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस इन द लॉन्ग रन इफ ही मैनेजेस टू स्टे फिट. एंड रैशफोर्ड विल बी इम्पोर्टेंट क्योंकि आप लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेलोगे, पहले 60 मिनट 70 मिनट लो ब्लॉक को अगर हमारे क्रिएटिव प्ले मेकर्स तकाएंगे तो रैशफोर्ड विल मेक अ रन एट देम इन द लास्ट लेटर स्टेजेस ऑफ द गेम व्हिच विल क्रिएट चांसेस. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज प्लेयर्स. एटीएस नोस बेटर देन मी लाइक आई सेड. सो यस आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस फ्रंट थ्री एज वेल. तो सही है भाई, यूरोपा जितना चाह रहे हैं सही है भाई, पूरी जान से यूरोपा के सारे मैच देखेंगे, चाहे रात के 2 बजे मैच हो चाहे उनका ऑफिस हो चाहे ना हो, वो बिल्कुल देखेंगे सारे मैच. वो चाहे करेंगे, वो चाहेंगे कि यूरोपा हम लोग जीते, हम चाहेंगे कि आप लोग भी हमको सपोर्ट करें और आप लोग भी हमारी स्क्रीनिंग में आए अगर हम यूरोपा की स्क्रीनिंग कराते हैं तो. अगर आप चाहते हैं कि हम कराएं प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि यूरोपा की स्क्रीनिंग कराओ, हम करा देंगे. हम फुटपाथ पे सोएंगे लेकिन हम मैच जरूर देखेंगे यूरोपा का साथ में, आप बोलेंगे तो टाइम की कमी है. लेकिन एक लास्ट का क्वेश्चन जो हमने बोला था वो खुफिया क्वेश्चन स्टार्टिंग में, अभिजीत भाई वो क्वेश्चन आ चुका है. वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि ग्रीनवुड भैया अगर वापस आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं कि हेलो मैं तो आ गया हूँ, तो क्या आप उनको लोगे और वो कैसे फिट होंगे या उनको भगा दोगे? चल भाई भाग. लॉट ऑफ डिपेंड्स ऑन ईटीएस एंड बोर्ड डिसीजन. मैं तो डिप्लोमेटिक आंसर मतलब नहीं देना, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मेरा मेरा ही ओपिनियन देखो. अगर आप एक ऐसे मतलब इमोशनल होके दोगे तो ये कहोगे कि हम खेलेंगे, लेकिन मेरा ओपिनियन रहेगा कि वो उसको खिलाओ क्योंकि वो यंग है, गलती तो सबसे होती है, इंसान है. मैं कहूँगा कि उसको ले लो क्योंकि वो अच्छा मतलब खेलता है, उसने उसकी क्वालिटीज हमको पता है. लेकिन सारा डिसीजन बोर्ड और ईटीएस को ही लेना है कि उसको ले खिलाना है कि नहीं, उसका फिटनेस कैसा है, वो सब कुछ डिपेंड होता है सब कुछ बोर्ड और हमारे क्लब के डिसीजन हायरार्की जो जो भी लेंगे. लेकिन मैं चाहूंगा कि ग्रीनवुड खेले. अगर आप वो टॉक्सिसिटी या फिर कुछ ऐसा करता है तो मैं तो चाहूंगा कि उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसका एंडी कर दो और भेज दो उसको किधर किधर जाना है. अभिजीत भाई का लेकिन कहना है ग्रीनवुड अगर आ जाता है तो उसको हम खिला लेंगे, बोलेंगे भाई ठीक है खेल रहे हैं, ठीक है गलती हो जाती है. सही है भाई, आप बताओ ग्रीनवुड आ गया है, ग्रीनवुड बोला है भैया मेरे को अंदर ले लो, मेरे से गलती हो गया, आप क्या करोगे ग्रीनवुड के साथ? भाई आ जाओ यार, दरवाजा खुला है. we would need him because see अगर आप लास्ट सीजन के स्टार्टिंग 3 गेम देखोगे, बेसिकली 3 गेम्स आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी प्लेड एज अ स्ट्राइकर, ही वाज ऑल टुगेदर ऑन अ डिफरेंट लेवल. ही हैड द होल्ड अप प्ले, ही हैड द रन इंस एट द डिफेंडर्स डायरेक्टली, मतलब अलग ही प्लेयर था. मतलब ऐसा था कि आई एम रेडी टू बी अ स्ट्राइकर. So I would accept him to come. अभी आ जाओ यार, अभी आ जाओ खेल लो. स्ट्राइकर स्ट्राइकर आएगा, हमारे पास स्ट्राइकर का ऑप्शन है. एंड उसके बाद इवन इफ रोनाल्डो गोज वी हैव द ऑप्शन टू डिप्लॉय प्लेयर्स एट द यू नो स्ट्राइकर एज अ स्ट्राइकर. राइट विंग सॉर्टेड, लेफ्ट विंग सॉर्टेड, स्ट्राइकर सॉर्टेड. तो रोनाल्डो रहेगा तो और अच्छा ग्रीनवुड उससे सीख सकेगा. आई विल एक्सेप्ट ग्रीनवुड. At any cost, he is a phenomenal player. So the panel is accepting Greenwood, including me. आप तो बताओ. अरे होस्ट साहब, मैं भी accept कर लूँगा, मैं भी बुला लूँगा, मैं बोलूँगा आ जा. तो वही तभी मैंने बोला panel collectively is saying कि Greenwood आ जाए. तो बट हाँ मेरा भी ये पॉइंट है कि अपने पास स्ट्राइकर का कमी है. मार्शियल तो इंजर्ड पड़ा रहता है आधे सीजन. मार्शियल अभी इंजर्ड हो गया, अपने पास स्ट्राइकर में कौन है? सिर्फ रोनाल्डो. बैकअप में कौन है? कोई स्ट्राइकर नहीं है, या तो रैशफोर्ड है या फिर यही सब एंथनी सांचो वगैरह है, या फिर फॉल्स लाइन पे एरिक्सन या फिर ब्रूनो या फिर वैन डे बीक है. तो स्ट्राइकर अपने पास अच्छा ऑप्शन नहीं है. लॉन्ग टर्म स्ट्राइक हमको चाहिए ही चाहिए. ग्रीनवुड अगर आ जाता है तो वो लॉन्ग टर्म स्ट्राइक का ऑप्शन हमारे लिए जरूर वो सुल जा सकता है. तो मैं भी चाहूंगा ग्रीनवुड अगर आएगा तो ग्रीनवुड खेले. तो लेकिन ग्रीनवुड आएगा तो खेले तो हमने बोल दिया, लेकिन क्या ग्रीनवुड आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? बस बहुत कम टाइम बचा है. हाँ ना का जवाब है, ये हाँ ना वाला जवाब आ चुका है. अभिजीत भाई क्या ग्रीनवुड इस सीजन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? आएगा लेकिन विंटर आएगा के बाद शायद. ठीक है, विंटर के बाद, विंटर के बाद आएगा. उन्होंने बहुत प्रिसाइसली बताया है. सही है भाई, हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा, ये भी होपफुल है. लेकिन मैं बोलूंगा ग्रीनवुड नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता ग्रीनवुड आएगा. और मेरे को दिस सीजन आई एम नॉट श्योर बट आएगा. This season पूछ रहा हूँ मैं, ये season. नहीं, ये season नहीं आएगा. I don't ये think the way it is being handled, उसका case जैसे handle हो रहा है, it's very off the charts. बहुत किनारे होके handle हो रहा है, तो it will take time.
चलिए, तो ये हमने आज सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया, और इनका फ्रंट थ्री का क्या रहेगा क्या नहीं आएगा। एंटनी आ गया, बहुत खुशी है हमें एंटनी आने की। ग्रीनवुड आता है तो शायद खुशी बढ़ जाएगी। रोनाल्डो जाता है तो शायद खुशी थोड़ी डिस्कस और कर बढ़ जाएगी। लिया, लास्ट में एक मसाला दे दिया ऑडियंस के लिए हाँ, सब सब डिस्कस डिस्कस कर लिया हमने, मसाला कर। वगैरह, अच्छा इंटेलेक्चुअल बातें, बकचोदी सब कर लिया हमने, मजा आ गया। तो दोस्तों, ऐसा कि आप जानते हैं कि आर्सेनल का गेम आ रहा है वीकेंड पे, बड़ा वीकेंड होने वाला है, और MUSC रेड डेविल्स NCR भी तैयार है उस बड़े वीकेंड के लिए। हम करेंगे अपना पूरा जोरों शोरों से ढोल बाजे के साथ स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग का अभी वेन्यू डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वेन्यू हम आपको डिस्क्लोज करेंगे बहुत जल्द। तो जो भी लोग दिल्ली NCR में हैं, हमसे फिर से बहुत बहुत दरखास्त है, आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ गाइए, हमारे साथ खाइए पिए, मजे करिए। यार जिंदगी में तो बहुत ही दुख है, यूनाइटेड में भी दुख है, लेकिन अगर वो दुख चार बंदे साथ में बैठ के बांटेंगे तो कम हो जाएंगे। और चार बंदे बैठ के उस दुख को, मतलब हम यही करते हैं, हम बस अपना दुख बांटते हैं, अपने खुशियां बांटते हैं, मजे करते हैं। तो हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए, और MUSC रेड डेविल्स NCR को फॉलो करते रहिए। अरे तुम्हारा कप बुला गया था ना। कब? अरे हाँ, वो कब, वो हम बाद में बात करेंगे, हाँ वो कब एक महीना रह गया था। हाँ, हम लोग अपना, हम लोग फ्री कप भी देते हैं ऑडियंस को, हम लोग ऑडियंस को फ्री में कप। अभिजीत भाई, आपको एक बार पता थी हम लोग कब बांटते हैं? नहीं तो मुझे एक कप मिल गया लास्ट सीनिंग में, मेरा कप था वो, मैं खो गया। अब इतना दुख हुआ मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को दुख नहीं है, क्योंकि मैं किस लिए जाऊंगा, मेरे को पता कि मेरे को एक और कप मिल जाएगा। तो मैं कप लेने में जाऊंगा जरूर। तो दोस्तों, कप एक आए ना आए, ये कप तो आपके पास आएगा ही आएगा, और कोई सा कप आए ना आए, PPL का कप, USL का कप, कुछ ना आएगा, ये कप तो आपके पास जरूर आएगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।